Hey guys, my name is Asis and you are watching Wrestle Stroke. तो guys आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि finally हमें पता चल चुका है कि Impact के Rebellion 2021 में जो title versus title का मैच देखने को मिलने वाला था उस मैच का रिजल्ट. तो guys आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. उससे पहले guys अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो ग्रैंड वेलकम, सब्सक्राइब के नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर दें. चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. तो गाइस इंपैक्ट रेसलिंग ये अनाउंस करती है कि उनके पेपर व्यू रेवेलियन 2021 में हमें एक टाइटल वर्सेस टाइटल का मैच देखने को मिलने वाला है बिटवीन नन अदर देन और किसी के बीच में नहीं बल्कि गाइस केनी ओमेगा वर्सेस और किसी के बीच में नहीं बल्कि रिच स्वान के बीच में. और गाइस होता क्या है आज के हमें रेवेलियन 2021 में AEW वर्ल्ड चैंपियन केनी ओमेगा वर्सेस इंपैक्ट वर्ल्ड चैंपियन रिच स्वान के बीच में मैच देखने को मिलता है. गाइस मैच स्टार्ट होता है लेकिन मैच में हमें यह देखने को मिलता है कि AEW से एक स्पेशल रेफरी आते हैं केनी ओमेगा के साथ और इंपैक्ट रेसलिंग में तो हो ही रहा है ये पेपरव्यू तो इंपैक्ट का तो मतलब रेफरी रहेंगे ही रहेंगे. लेकिन गाइस ये जो मैच हमें देखने को मिलता है यानी गाइस केनी ओमेगा वर्सेस और किसी के बीच में नहीं बल्कि रिच स्वान के बीच में गाइस ये मैच हमें काफी अच्छा देखने को मिलता है. एक मोमेंट पे तो ऐसा भी मोमेंट हमें देखने को मिला कि रिच स्वान के जो मतलब जो रेफरी रहते हैं यानी कि इंपैक्ट रेसलिंग के जो रेफरी रहते हैं उस पे केनी ओमेगा अटैक कर देते हैं. और गाइस होता क्या है केनी ओमेगा मतलब चेयर्स का यूज करने का भी कोशिश करते हैं लेकिन गाइस एट द एंड इस मैच को और कोई नहीं बल्कि गाइस केनी ओमेगा जीतते हैं और उनके कंधे पे अब इंपैक्ट रेसलिंग का भी चैंपियनशिप है और कोई नहीं गाइस बल्कि अब AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप है. यानी कि गाइस आप कह सकते हो कि केनी ओमेगा के कंधे पे अब दो चैंपियनशिप है. तो गाइस इस मैच का कुछ यही हमें रिजल्ट देखने को मिला जो कि मैंने आपको इस वीडियो में शेयर कर दिया. तो होप करता हूं गुड आपको हेल्प करेगी. मिलते हैं अगले वीडियो में. अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें. फाइनली बाय फ्रेंड्स.